Hello students, hope you are doing well. Stay home, stay safe. This is our first lecture about the crutches, written by Bertolt Brecht. Here we are going to discuss his life. Something about his life and what he wrote in his lifetime. Students, तो आज हम बात करेंगे क्रचेस की. क्रचेस जो बर्टोल्ट ब्रेटेक ने लिखी है, तो बात फिलहाल इसी पे करते हैं, बर्टोल्ट पे ही इसी की बात करते हैं. इसने क्या लिखा है. Bertolt Brecht was born on 10 February 1998 in Augsburg in Bavaria, Germany. His childhood and early youth were passed in years of troublesome events likened with the outbreak of First World War with all its destructive consequences. Brecht is among the distinguished representatives of socialist realist art. As a creator, he is many-sided poet, dramatist, director, critic and publicist. देखो बच्चों, हमारे जो पॉइंट है बर्टोल्ट ब्रेचट, ये 10 फरवरी 1898 में पैदा हुए. कहाँ हुए? Augsburg में पैदा हुए, ये जर्मनी में. तो उसकी जो बचपन जो उसने गुजारा, यहाँ पे बात करते हैं उसका जब बचपन गुजरा तो ट्रबलसम इवेंट्स उसका, उसके जो हालात बड़े ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ज़्यादा अच्छे हालात नहीं गुजरे. क्यों नहीं गुजरे? मेन रीज़न था क्योंकि उन दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से उसके घरेलू हालात या उसके अपने हालात या उसकी ज़िंदगी का जो सफ़र था वो ठीक नहीं रहा. उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके ज़िंदगी में आ गई. तो उन्हीं अगर देखेंगे तो ये एक सोशलिस्ट था, समाज पे लिख रहा था. एज ए क्रिएटर, वो एज क्रिएटर काम कर रहा था. वो यहाँ बात करते हैं इज मनी साइडेड. एक तो वो पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, डायरेक्टर थे, क्रिटिक थे और पब्लिसिस्ट थे. अगर बात करेंगे ड्रामेटिस्ट थे तो वो ड्रामेटिस्ट हम उसको बोलते हैं जो ड्रामास लिख रहे हैं. डायरेक्टर कोई भी फिल्म हो, कोई भी इवेंट हो जिसको डायरेक्ट किया जाएगा. क्रिटिक तो जो तनज करता हो, या पब्लिसिस्ट जो पब्लिकली जो भी लिख रहा हो. दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन हिज फर्स्ट पोएम रिटन फ्रॉम द एज ऑफ 16. तो बात कर लो, ये उसके जब उसने पोएम लिखी थी 16 साल की उम्र में ब्रेचट पोएम लिख रहे हैं, तो उसी से हमें जाहिर पता चलता है कि उसने किस तरीके की उसकी ये राइटिंग्स थे. पोएम्स हैव एन एंटी मिलिट्रिस्ट स्पिरिट एंड प्रीमिनेटेड बाय द लेट मोटिव ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द वॉर. तो बात करेंगे, अगर ब्रेचट की हम बात करेंगे तो बेसिकली वो एंटी मिलिट्रिस्ट क्यों था? क्योंकि उन दिन फर्स्ट वर्ल्ड वार था, तो बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े, बहुत सारे तकलीफ उठाने पड़े, जिस वजह से उसने एंटी उनके खिलाफ कुछ लिखा था या बहुत कुछ उस अगेंस्ट वार के खिलाफ भी लिखा था. After completing secondary school in the city of his birth during the year 1917-1921, he went to Munich to continue his studies in the field of medicine and natural science. तो सेकेंडरी स्कूल तक, 12वीं तक पढ़ने के बाद वो चले गए कहाँ? मुनिच यूनिवर्सिटी चले गए. 1917 से 1921 के दरमियान वो हायर स्टडीज़ के लिए गए और वहाँ पर उसने क्या किया? वहाँ वो मेडिसिन पढ़ रहे थे. मेडिसिन और नेचुरल साइंस का फील्ड उसने चुन लिया. वो मेडिसिन के बारे में, वो मेडिसिन पढ़ रहे थे, मीनस की डॉक्टरी पढ़ने चले गए. आफ्टर ही कम्प्लीटेड दियर स्टडीज ऑनली आफ्टर इंटरवल सिनेस ज्यूरिंग द ईयर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार. जब पहली जंग से हुई उसी दौरान उसने ये अपनी स्टडी कंप्लीट की. तो 1918 तक क्या कर रहे थे वो? उसके बाद उसने सर्विस की. कहाँ? मिलिट्री हॉस्पिटल में वो सर्विस कर रहे थे 1918 तक. जब उसका सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट हो गया, फिर मुनिच यूनिवर्सिटी नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए गए या मैथ जी या मेडिसिन पढ़ने गए. उसके बाद वो ख़त्म हो गया, कंप्लीट कोर्स किया. फिर 1918 तक उसने काम की. 1917-18 तो 1918
2015 में उसने कहाँ काम की, मिलिट्री हॉस्पिटल में। आफ्टर दिस ही डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू, उसके बाद वो अपने आप को डिवोट किसके लिए कर रहे हैं, वो लिटरेचर और आर्ट के लिए कर रहे हैं, सिर्फ वो लिखना लिटरेचर और आर्ट, इसके लिए उसने अपने आप को फिर डिवोट कर दिया। ड्यूरिंग दिस ईयर्स अंटिल 1924 ही प्रोड्यूस्ड हिज फर्स्ट पोएटिकल वर्क। तो इतने सालों में 1924 तक उसने क्या किया, उसने एक पोइटिकल वर्क दे दी, उसने लिखना स्टार्ट किया। तो पहली बुक उसकी आ गई थी रोट हिज फर्स्ट प्ले विच बिकम वेल नोन। तो उसके बाद वो जो ज़्यादा बाद में मशहूर हो गई उसकी बुक। इन 1924 ब्रिचेट वेंट टू बर्लिन एंड स्टेड अंटिल 1933। तो 1924 के बाद बर्लिन चले गए और वहाँ कहाँ 1933 तक रहे। In 1928 he attended the वर्कर्स मार्क्सिस्ट स्कूल। 1928 में उसने मार्क्सिस्ट स्कूल अटेंड किया। फ्रॉम द पीरियड डेट्स फ्रॉम विच मैच ऑफ पोइट्री इन 1933 द नाजीज कम टू पावर। 1933 में जब उसने पहले मार्क ये वर्कर स्कूल का वो अटेंड किया, उसके बाद में 1933 में नाजीज पावर आए, पावर में आए, ताकत में आए या हुकूमत में आए, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा नाजीज दौर, नाजीज़म वगैरह। तो जब वो पावर में आ जाते हैं, अमंग द फर्स्ट टू बेयर द मास्क ऑफ फासिस्ट बारबरिज्म वाज ब्रिटेक। तो उनमें से जब बारबरिज्म, ये बारबरियत या ये कह सकते हैं कि मुश्किलात जो उनको फेस करने पड़े, तो सबसे पहले ब्रिचेट ही था जिसे ऐसे हालात को से दो चार होना पड़ा। हिज बुक्स वेयर बर्नर्ड द डोर्स ऑफ ड्यूचेट्स थिएटर वेयर क्लोज। तो उसकी किताबें जला दी गई और वहाँ पर एक थिएटर था वो बंद कर दिया गया। आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि हालात कितने ख़राब थे जब नाजीज ने हुकूमत संभाली। द नाजीज डिप्रूव्ड हिम फ्राम जर्मनी नेशनलिटी। तो उसके बाद उसे नाजीज़म से, नाजीज़म में नाजीज उससे क्या करते हैं, उसकी नेशनलिटी छीन जाती है। एंड अ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ एग्जाइल बिगन टू ब्रिचेट। तो उसके बाद में उसके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किलात सामने आने पड़े। एग्जाइल मीनस कि उसको वहाँ से निकलना पड़ा। कहाँ से? उसको वहाँ से ड्यूज से निकलना पड़ा, या हम यूँ कह सकते हैं मार्क्स जब आया था वहाँ पर म्यूनिच, तो वहाँ से उसे निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब नाजी हुकूमत, नाजी का हुकूमत आई, उन्होंने वही हुकूमत कर रहे थे, तो जिस वजह से उसको क्या करना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा। ड्यूरिंग द ईयर 1933-1941 ही वैंडर्ड इन ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। उसके बाद कहाँ कहाँ चले जाते हैं, पहले ऑस्ट्रिया चले जाते हैं, फिर स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, फिर फ्रांस चले जाते हैं, फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री चले जाते हैं। तो वहाँ पर रहने के बाद वो डेनमार्क चले गए। आफ्टर दिस ही वेंट टू यूएसए। उसके बाद अमेरिका चले गए। तब तक 1947 तक वो फिर अमेरिका में ही रहे। क्यों क्यों रहे? क्योंकि नाजीज़म जब स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ा? ब्रिचेट पे। तो ब्रिचेट को उसके बाद एग्जाइल करना पड़ा, बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ा। ऑस्ट्रिया गए, स्विट्ज़रलैंड गए, फ्रांस गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ गए, डेनमार्क चले गए, उसके बाद यूएसए चले गए। तो 1947 तक फिर यूएसए में रहे। द 16 ईयर्स पीरियड अवे फ्रॉम हिज होमलैंड वाज वेरी फ्रूटफुल। तो 16 साल का जो वक़्त था वो उसके लिए सही रहा था। टू दिस पीरियड बिलोंग्स हिज मोस्ट पावरफुल पोइट्री। तो वही वक़्त, उस वक़्त में उसने अच्छी खासी पोइट्री लिखी थी। हिज ग्रेटेस्ट प्ले हिज थियोरेटिकल थाट ऑन द आर्ट ऑफ सोशलिस्ट रियलिज्म। उसके अच्छे प्लेज आए थे, सोशलिस्ट रियलिज्म पे लिखना स्टार्ट किया। विद द आयरन लॉजिक ऑफ द मिलिटेंट आर्टिस्ट ही पेनिट्रेटेड डीप इन द मैकेनिज्म ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड डिमॉन्स्ट्रेट द रूट्स ऑफ द फासिज्म। एट द सेम टाइम ही प्रेडिक्टेड इट इज़ इनएविटेबल। एंड तो उसके बाद में मुश्किलात का दौर बनता गया, चलता गया। तो उसमें क्या हो जाता है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ जाती है बीच में। ये टर्म कैपिटलिस्ट हो गए, वो जो अपना अपना ही इन्वेस्ट करेंगे और विदाउट कोई टैक्स ले लेंगे। वो सोसाइटी जो अक्सर अगर देखा जाए तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही हुकूमत को चलाती है। अमीर शख्स, अमीर या ब्यूरोक्रेट्स की हम बात कर सकते हैं, उस तरीके के लोग कैपिटलिस्ट।
डिमॉन्स्ट्रेटेड द रूट्स ऑफ फासिज्म, तो उनकी वजह से डिमॉन्स्ट्रेट हो गई, क्या हो गई, फासिज्म। एट द सेम टाइम ही प्रेडिक्टेड इट इज़ इनएविटेबल, तो उसी दौरान उसके उसे लगा कि मुझे अब शायद दुनिया से जाना है, उसे ये लगा कि मुझे, मतलब जब टाइम भी आ गया तो फिर उसको लगा कि मुझे अब मौत ज़्यादा करीब है। इन 1947 बिजट लेफ्ट द यूएसए एंड रिटर्न टू यूरोप, 1947 में वो कहाँ, यूएसए से चले जाते हैं फिर यूरोप चले जाते हैं। 1949 ही रिटर्न टू जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो 1949 में कहाँ चले जाते हैं, फिर जर्मन चले जाते हैं। आफ्टर ए टर्बुलेंट लाइफ फुल ऑफ फ्रूटफुल रिपोर्ट बिचन डाइड इन 14 अगस्त 1956, तो उसके बाद ये हालात झेलने के बाद 14 अगस्त 1956 को इस दुनिया से चले जाते हैं, इस धारिफाने से निकल जाते। तो इसके ये जो हालात हैं, इन हालात को मद्देनज़र रखकर उसकी जो पोइम है क्राइसिस, तो उसका पूरा का पूरा निचोड़ अगर देखेंगे तो मतलब हालात पे ही, जिस इंसान जो जिस हालात में गुजरे हैं उसका इफ़ेक्ट रहता है उनके ज़िंदगी पर, जो भी वो लिखेंगे, लेकिन लिखते तो उसी इफ़ेक्ट से हैं। इस तरीके से इसकी जो पोइम है, अभी हमने बात की थी कि हमें पता चलेगा फिर उनके पोइमस से क्या है, किस तरीके से उनके पोइमस हैं, क्या लिखे हैं उसने उन पोइम्स में। तो बात करते हैं, ये थोड़ा सा था हमारे पोइट के बारे में, बर्टोल्ड ब्रिटक के बारे में थोड़ा सा ही। आप एनालाइज खुद भी कर सकते हो, आप गूगल पे जाके ब्रिटक को, ब्रिचर्ड बर्टोल्ड को देख लो, उसकी उसका विकिपीडिया देख लो, खुद आपको ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से इसने लिखा था। तो इसी की पोइम हमने पढ़नी है, क्रचेस। या हम बात करेंगे इसकी पोइम पर क्या लिख रहे हैं ये क्रचेस में। 7 years I could not walk a step. When I to the great physician come, he demanded why the crutches, and I told him I am lame. देखो क्या होता है, अभी सबसे पहले यहाँ 7 साल की बात की जाती है, तो मतलब कि ये पहले से ही एज अ लेम, वी कैन कंसिडर हिम एज अ लेम। लेम किस तरीके से, लंगड़ा किस, वो ऐसे लंगड़ा नहीं थे कि टांगे नहीं थे, नहीं, वो जहन से थे, उसका जहन काम नहीं कर रहा था, वो सिंपली क्या करे थे, 7 years आई कुड नॉट वॉक स्टेप, 7 साल तक मैं एक कदम भी नहीं चला, ये एक कदम ज़िंदगी में नहीं चला, चल तो रहा था वो पूरे दिन, लेकिन ज़िंदगी में नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि वो हर जगह डिपेंडेंट रहा, हर एक जगह पे वो चाहते थे कि कोई ना कोई मेरा सहारा बने, फिजिकली या मेंटली हम ये कह सकते हैं, ही वॉज मेंटली अ लेम पर्सन। क्यों था, क्योंकि आपने खुद देखा हालात कैसे थे। व्हेन आई टोल्ड द ग्रेट फिजिशियन कम ही डिमांडेड, क्या कह रहे हैं, जब मैंने बात की, जब मुझे लगा था, क्यों क्या लगा था, ये जब 7 साल चलते बने पता नहीं चला क्या करना है मुझे, किस तरीके से चलना है, फिर एक ग्रेट फिजिशियन के पास चले जाते हैं, तो वो इसको एक लास्ट होप ये कह सकते हैं, लास्ट होप यूँ कह सकते हैं, ठीक। ही डिमांडेड, क्या उसने कहा, ग्रेट फिजिशियन ने क्या कहा, ये क्रैचेस क्यों, बैसाखियाँ क्यों, क्या बात है, किस तरीके आपने ये क्रैचेस क्यों उठाए, किस वजह से आप बेसहारा बने, या किस वजह से आप ये सहारा लेके चल रहे हो। एंड आई टोल्ड हिम आई एम लेम, और मैंने ये बात कह दी मैं लंगड़ा हूँ। बेसिकली लंगड़ा नहीं होते हैं, क्योंकि ये फिजिकली या मेंटली यूँ कह सकते हैं, ही वॉज अ मेंटली डिपेंडेंट पर्सन, वो दूसरों पे मुनहसर था, तो उस वजह से यही कह रहा है कि मैं 7 साल से ऐसे ही था, फिर मैं एक फिजिशियन के पास चले जाता हूँ, तो वो मुझे क्या करें, ही रिमांडेड, वो ये कह रहे हैं कि क्रचेस क्यों है, इस क्यों आपके बैसाखियाँ, क्रचेस मीन्स बैसाखियाँ, जो छड़ियाँ होती है, अगर किसी के टांगे कटी हों तो वो जो छड़ियों पर चलता है उन्हीं को हम क्रचेस बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, हमें लेम। Then he replied, "That's not surprising. Be so good and try once more. If you are lame, it is those contraptions. Fall then, crawl across the floor." फिर जो फिजिशियन है वो क्या कहते हैं उसे, he replied, उसने जब जवाब दिया क्या कहते हैं, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, that's not surprising, कोई हैरानगी की बात नहीं है, be so good and try once more, आप अच्छे हो, अच्छे बनो और आप कोशिश करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी एक, जैसे हम कहते हैं, उम्मीद पर टिकी हुई है, ज़िंदगी में हमेशा जब चाहे जितना चाहे हमेशा कोशिश करते रहो,
कोशिश ही वो चीज़ है जो हमें किसी न किसी मंजिल तक ले जाती है। अगर हमने कोशिश करना छोड़ दिया हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए इसे कहता है कि इफ़ यू आर लेम, आप अगर आप लंगड़े हो, इट इज़ दोज कंट्रेप्शंस, ये वो चीज़ है जो आपके जहन में पले हुए हैं, जिन चीज़ों को आपने जहन में पाला है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं वो फलां चीज़ नहीं कर सकता, मैं फलां क्वालिफाइड नहीं कर सकता। लेकिन यही कह रहा है, ये आपके जहन में बना, इनको छोड़ दो, ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दो, या सिंपली इसके पास अभी हमारे पास ये लग रहा है कि उसके बैसाखियाँ हैं, तो छड़ियाँ हैं जिन पे वो चल रहा है, उसे कहता है कि आप ये बैसाखियाँ तोड़ दो, फाल दें, उनको छोड़ दो, क्रेवल अक्रॉस द फ्लोर, क्रेवल जैसे बच्चा क्रेवलिंग करता है, क्रेवल अक्रॉस द फ्लोर। अगर आपको चलना नहीं आता है तो थोड़ा बहुत आप चलो, कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं चल सकते। ये उसे कह रहे हैं फिजिशियन, कह रहे हैं किसको, कह रहे हैं पोइट को। एंड ही टुक माई लवली क्रचेस, लाफिंग विद अ फ्रेंड्स ग्रिम, ब्रोक देम बोथ अक्रॉस माई बैक एंड थ्रू देम इन द फायर प्लेस। उसके बाद एंड ही टुक माई लवली क्रचेस, उसके बाद वो मेरे ये जो क्रचेस थे उनको ले जाता है, अपने हाथों से उनको ले जाता है, और बड़ी अच्छी स्माइल देकर उनको तोड़कर मेरे पीछे एक फायर प्लेस होती है, फायर प्लेस जहाँ हम आग जलाते हैं, चूल्हा जैसे बोलते हैं, अभी भी घरों में चूल्हा है जहाँ फायर जल रहा है, तो उसी में उसने वो फेंक दिया और दोनों क्रचेस को, दोनों ये जो छड़ियाँ हैं, ये जो बैसाखियाँ हैं, दोनों को जला दिया। कहाँ जला दिया? उसने फायर प्लेस में उनको छोड़कर जला दिया। विद ए गुड एंड फ्रेंड्स फ्रेंडली लाफिंग, एक अच्छी स्माइल देकर उसने वो छड़ियाँ छीन ली मुझसे, फिर फेंक दिए और जला दिए उनको। वेल आई एम क्योर्ड नाउ, आई कैन वॉक, क्योर्ड बाई नथिंग मोर देन लाफ्टर, समटाइम्स दो वैन आई सी स्टिक्स आई वॉक वर्स फॉर सम आवर्स आफ्टर। क्या कह रहे हैं? वेल आई एम क्योर्ड नाउ, हाँ मैं अब ठीक हो गया हूँ, आई कैन वॉक, मैं अब चल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब उसे लगा, थोड़ा सा सहारा मिला। कैसे सहारा मिला? उसने उसको स्माइल देकर, क्रचेस छीन कर ये बता दिया, भाई आप लंगड़े नहीं हो, आप फिजिकली, आप ये जो डिपेंडेंसी है इसको छोड़ दो, आप खुद कर सकते हो। जैसे आप किसी काउंसलर के पास जाते हो, या जैसे आपको कोई अच्छा खासा मशवरा देता है, भाई आप ये खुद कर सकते हो, दूसरे पे क्यों मुनसर रह रहे हो, तो आप लोगों को लगता है, या आप जैसे इंस्पिरेशनल वीडियोज़ देखते हो तो उससे क्या मिलता है, आपको एक हिंट मिलती है। उसी तरीके से इसने इसको कह दिया, तो तभी कह रहे हैं कि मैं अब क्योर हो गया, मैं चल सकता हूँ। क्योर्ड बाय नथिंग, कैसे मैं ठीक हो गया? सिंपली एक लाफ्टर से, सिंपली उसकी एक बात से, सिंपली उसकी एक अच्छे मिजाज से, अच्छे ताल्लुकात से। समटाइम्स दो व्हेन आई सी द स्टिक्स, कभी कभार जब मुझे नज़र पड़ती है, किन? उन स्टिक्स पे, छड़ियों पे, जो उसके छड़ियाँ थी उन पे जब नज़र पड़ती हैं, आई वॉक वर्स फॉर सम आवर्स आफ्टर, तो मुझे याद आते हैं कि कौन से, किस तरीके से मैं चला करता था इन चीज़ों को देखकर। तो यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे इंसान बैसाखियों के सहारे चलता है। बैसाखियाँ अब ये नहीं है कि आप छड़ियाँ उठा लो और चल लो, नहीं, बैसाखियाँ ये हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हो, अब कह रहे हो, मतलब किसी के डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट, जब तक वो मुझे नहीं कहेगा मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आएगा, जब तक वो नहीं भाई आएगा। यही हम पॉइंट यही कहता है कि जो आप करना चाहते हो वो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्योंकि इंसान जब तक खुद नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं हासिल कर पाएगा, खुद ही करना है, क्योंकि जब तक इंसान कोशिश नहीं करेगा वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो बच्चों यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम द क्रचेस मीन, क्रचेस का क्या मतलब है? क्रचेस तो सिंपली अगर बात करेंगे ठीक है,
क्रचेस, क्रचेस क्या है अगर सिंपली बात करेंगे तो, ये छोटे से अगर छड़ियां हैं या बैसाखियां हैं, लेकिन असल में क्रचेस अगर सिंबॉलिकल मीनिंग देखेंगे तो हम जब तक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या करना है, ये जो डिपेंडेंसी है छोड़ देनी है। चाहे आप देखो, सिंपल सी एक बात बताता हूँ, कोई कहता है मैं सिगरेट पीकर मैं ठीक रहता हूँ, भाई ये गलत है। ये आप इसी चीज़ यही पॉइंट में क्रचेस के बारे में ले जा रहे हैं। तो आप किसी इस चीज़ पे डिपेंडेंट हो, कोई शराब पीता है तो वो कहता है मैं जब तक शराब नहीं पीऊँगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। भाई कर सकते हो, छोड़ दो शराब, कर सकते हो। यही कह रहा है कि आप जब तक ये चीज़ करते हो, कोई दवाई लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, नहीं भाई मुझे ड्रग्स लेने हैं तो उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा, उसके बाद मैं काम कर सकता हूँ, नहीं। टोटल ब्रिटेक हमें यही कह रहे हैं कि जब तक आप ये चीज़ अपने जहन में बिठा लोगे, उसके इस बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, इसको फेंक दो तब उसके बाद कर सकते हो। तो ये है क्रचेस का असली मीनिंग। तो दूसरा क्वेश्चन है, बर्टोल्ड ब्रेचर्स पॉइंट द क्रचेस प्रॉम्प्टस अस टू रिटॉस प्रैक्ट आवर ओन लेमनेस। हाउ, किस तरीके से आप इस लेमनेस से बाहर आओगे? इस तरीके से हम ऐसे बाहर आ सकते हैं, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ, आप अभी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो मुझे नहीं कहेगा, भाई उसके बिना भी कर सकते हो। कोई कह रहा है कि भाई जब तक मैं पैक नहीं पीऊँगा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, भाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये आपने जहन में पाल रखा है कंट्रैप्शन, या भी कहा बात की हुई थी, ये आपने जहन में। इंसान को चाहिए कि इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए उसे मन बनाना है मुझे ये छोड़ने हैं, उसके बिना मैं कर सकता हूँ तो कर सकता है। देखो जब हम पैदा हुए हम थोड़ी ना ये चीज़ करते थे, आदत पड़ गई, अब इस आदत को छोड़कर ये हमें ब्रिचेट बोल रहे हैं, ब्रिटोट बोल रहे हैं कि ये जो क्रचेस है इनको, इन बैसाखियों को तोड़ दो, उसके बाद ही आप कामयाब हो सकते हैं। इन द पोएम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द पोएम द क्रचेस बाई बर्टल ब्रिटेक, व्हाट डज द पॉइंट वांट टू कन्वे थ्रू द लाइन क्योर्ड बाई नथिंग मोर देन अ लाफ्टर। तो इस बात से क्या कहना चाहते हैं हमें पॉइंट, क्योर्ड बाई नथिंग मोर देन अ लाफ्टर, किसी चीज़ के बिना बल्कि एक हंसी से मैं ठीक हो गया। बेसिकली उसका क्या है कि सिंपली जब हम किसी के पास जाते हैं, कोई बात करता है, तो जो उसका जो बात करने का ढंग या तरीका, थैंक यू अभी काम आ रहा हूँ। तो क्या है कि सिंपली जब हम डिपेंडेंट रहते हैं या कोई चीज़ हम ये कर सकते हैं, या द वॉकिंग ऑफ द क्रचेस ऑफ फिजिशियन या लाफ्टर, तो उसका जो बिहेवियर था डॉक्टर साहब का फिजिशियन का जो बिहेवियर था, उस वजह से उसको कह रहा है कि इंसान मैं ठीक हो गया। किससे? उसकी उस बेसिकली उसकी बिहेवियर से। देखो आप किसी को समझाना चाहते हो तो उसको जो प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा, बाई कंपल्शन ही कॉन्ट अंडरस्टैंड योर व्यूज एंड ही कॉन्ट मेक योर व्यूज गुड वे, सो यू शुड बी वी शुड बी गुड पर्सन, उस वजह से हो सकता है। वट इज़ द पॉइंट मीन वैन ही सेज समटाइम्स दो वैन आई सी, क्या कह रहे हैं, द क्रच स्ट्राइक्स अ कॉर्ड ऑफ को डिपेंडेंसी, टू हैव डिपेंडेंट ऑन समथिंग फॉर 7 years दैट वॉज अननेसेसरी सीम्स सच अ वेस्ट ऑफ लाइफ। तो ये 7 साल जो वो गुजारते हैं, कहते हैं कि फिर मैं अब ठीक हो गया, जब याद उसे लग रहा है कि भाई मैंने टाइम अपना वेस्ट किया है। सिंपली जब आप कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हो उसके बाद आपको खुद लगता है नहीं भाई मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, एक दिन इंस्पिरेशन रही दूसरे दिन कहीं नहीं होती है। तो यही चीज़ की बात कर रहा है, व्हेन द मैन लुक्स बैक आफ्टर फाइंडिंग हिज वे टू हेल्थ ही हैज़ लर्नड दैट आफ्टर ऑफ लाइफ इज क्यूरेटिव। यही क्रचेस, जब इसे पता चला भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो तब उसे एहसास हो गया नहीं भाई मैंने अपने साल ज़ाया किए हैं। तो ये थी हमारी बात क्रचेस पे। तो स्टूडेंट्स आप एक काम कीजिए, इसको अच्छे से सुनकर कोई भी डाउट्स अगर होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं आपके डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। उसके बाद इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे। तो और भी कुछ हो तो फर्दर जो लेक्चर्स हैं वो भी आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।